हम विक्रम। प्रिय देशवासियों, आज हम आपको आजादी के महानायक वीर सावरकर के जीवन का इतिहास बताएंगे, जिनको एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदूवादी के रूप में जाना जाता है। ये न केवल आजादी के लिए लड़े, अपितु किताब लिखकर भी भारतवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया। तो आइए जानते हैं वीर सावरकर जी के जीवन का परिचय। प्रिय देशवासियों, जब उनकी आयु 9 साल की थी तो हैजे के कारण माता का देहांत हो गया। उसके 7 साल बाद ही तपेदिक नामक बीमारी से पिताजी भी चल बसे। इनके 2 बड़े भाई थे, नारायण एवं गणेश बाबा। बड़े भाई गणेश बाबा राव ने इनकी शिक्षा का खर्च उठाया। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम मैनाबाई था। ये अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण इन्हें वीर सावरकर कहा जाता था। वीर सावरकर जब छोटे थे तो मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया, जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन्द्र चंद्र बोस जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। ये अपने लंदन प्रवास के दौरान इन्होंने अनेकों भारतीय युवाओं को आजादी के लिए लड़ने की खातिर प्रेरित किया। वहां इन्होंने इंडिया हाउस में शरण ली, जो उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। वीर सावरकर को लिखने का भी खूब शौक था। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक किताब लिखी, जिसने कई भारतीयों को आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये प्रिय देशवासियों, लंदन टाइम्स पर लेख लिखने के जुर्म में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 जुलाई 1910 को जब इन्हें MS मोरिया नामक जहाज से भारत लाया गया तो सिविर होल के रास्ते से भाग निकले, क्योंकि मदन लाल ढींगरा भी क्रांतिकारी थे तो वो सावरकर के मित्र भी थे और अनुयायी भी। किंतु जब मदन प्रिय देशवासियों, वीर सावरकर को नासिक की एक सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया। वहां पर भी ये अपने साथी कैदियों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाते रहे। प्रिय देशवासियों, सजाए काला पानी को सजाए मौत से भी बदतर माना जाता था। वहां के कैदियों जेल में रहते हुए उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना कम नहीं हुई। उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया एवं जेल में ही एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली। यहीं इन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता था। हिंदू कौन है? सन 1937 में वीर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमान के बीच पहले से ही बढ़ रहा तनाव और भी बदतर हो गया। वीर सावरकर चाहे कट्टर हिंदूवादी नेता थे, किंतु वो कभी भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने मिलकर भारत के विभाजन का फैसला लिया था, जिनका वीर सावरकर कट्टर विरोध किए थे। सुरे सपने शब्दों से तुम्हें जगाते हैं, पावन गाथा गाते हैं, अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।